कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान हुंकार भरे जब पूछ करे थर थर कांपे आसमान वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर शांति का स्रोत करुणा की धार निर्झर झरे मन से अपार वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर है शाक्य वंश का वो तारा जगमग है जिससे जग सारा के किसानों ने जगह जगह पर रोहिणी नदी का पानी अपने खेतों की ओर मोड़ दिया है। अब यदि महाराज शुद्धोदन ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो कपिल वस्तु और कोलियों के बीच अवश्य युद्ध होगा। मेरी पूजा का नहीं देती। मैं तपस्वी हूँ, पके हुए खाने का त्याग किए मुझे बहुत समय हो गया। जो आप मुझसे मांग रहे हैं वो असंभव है। तुम्हारी इस तप की यात्रा में तुम्हारे सहायक नहीं तो तुम्हारे सेवक तो बन ही सकते हैं। भाई महाराज, इस स्थान से कोलिया के किसानों ने नदी का बहाव अपनी ओर मोड़ लिया है। उन्होंने तो ठान लिया कि अब खून की नदी बहाकर ही चैन लेंगे। इतनी रात है। सैनिक, किसने इस समय हमारे कार्य में विघ्न डाला? जाओ जाके उसे दंड दो। रुक जाओ, ये तुम क्या कह रहे हो अनुज? कोई याचना लेकर आया होगा। जाओ, कौन है लेकर आओ उसे। मैं हूं वो। कौन है यहां पे जो मेरी याचना सुनेगा? क्या याचना है और किसके विरुद्ध? आपके विरुद्ध महाराज शुद्धोदन। उसमें था अपनी याचना सुनाए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। महाराज शुद्धोदन, आपने मुझे सदा अपमानित किया है। बचपन में आपको अंदर बिठाया और धकेल दिया। आज पहले अध्यक्ष के आसन पे बिठाया और मेरे हाथ पकड़ के उठा लिया। पूरी शांति सभा के सामने मैं का पात्र बन गया। तुम क्यों नहीं समझोगे? चलो यहां से। देवदत्त मुझसे रुष्ट है और उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। पुत्र, देवदत्त, यदि मैं तुम्हें अध्यक्ष के आसन पर बिठा देता तो तुम्हारे माथे पर असफलता का कलंक लग जाता। कैसे? कोलिया नरेश राजा दंड पानी केवल मुझसे ही वार्तालाप करने के लिए तैयार, और यह समस्या अत्यंत गंभीर भी हो सकती है, और उसका सारा कलंक सारा दोष तुम्हारे माथे पर होता पुत्र। महाराज,
आपने मुझे कुछ बनने से पहले ही अपंग बना दिया। ये स्वयं की तुलना सिद्धार्थ से कर, उसके गुणों का एक कण तो होता इसमें, इसने नहीं देखा। जीत के पश्चात शाक्य संघ ने सिद्धार्थ को सर पर चढ़ा दिया। इसके पश्चात उसी सभा में उसका सभा पद भी छीन लिया। मेरी नियति यही थी कि परस्पर क्लेश को बुझाते मेरी आयु बीत जाएगी। मेरा पुत्र सिद्धार्थ इन बंधनों से तो मुक्त हो सका। जोगी जो इतने जीवन से भरे थे, उनके एक साथी तपस्वी को मैंने ये कहते सुना कि उन्होंने कई दिनों से पानी तक नहीं पिया है। हे ईश्वर, ये कैसी तपस्या है जो पानी से पैर बांधे। सिद्धार्थ बहुत दुर्बल हो गए हैं, बड़ी कठिनाई से तो चल पाते हैं, उन जैसी तपस्या और कोई नहीं कर सकता। अब तो बस यही प्रार्थना है कि उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाए। सिद्धार्थ मुक्ति के द्वार के समीप ही है। इतने कठिन तपश्चर्या से उसके मन से जो पुकार उठेगी वो आकाश का सीना भेद के रख देगी। आप यहाँ आए
कितने ओजस्वी थे। क्या खोज रहे हैं? इसके कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई। मुक्ति का मार्ग खोज रहा था। हे ईश्वर, अन्न जल त्याग के जब शरीर ही ना बचेगा, शरीर ही ना बचेगा, मुक्ति मिलेगी कैसे? मुक्ति मिलेगी कैसे? कहानी सुनाओ ना। अब प्रतिदिन तुम्हारे लिए नई कहानी कहाँ से लाऊं मैं? यशोधरा, बाल हट है, कहानी तो सुनानी होगी। क्यों राहुल? वो चिड़िया वाली सुनाओ ना माँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे पिताजी जब छोटे थे बिल्कुल तुम्हारी तरह, तो वो उपवन में घूमने निकले। वहां उन्हें एक बहुत सुंदर पक्षी दिखाई दिया। तुम्हारे पिताजी उस पक्षी को बहुत आनंद से देख रहे थे कि अचानक किसी ने उसके ऊपर बाण चला दिया। वो घायल पक्षी तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तुम्हारे पिताजी ने देखा तो सामने वो यशोधरा। जब देखो तब मेरे देवदत्त की बुराई की कहानी सुनाती रहती। वो देवदत्त कहाँ थे? आज तक कुपात्र का नाम नहीं बताया था, आपने तो स्वयं ही बता दिया। अब तेरे काका के नाम पे मनगढ़ंत कहानी बनाई जाए तो कौन उसे रोक सकता है? राहुल, तेरे अपने पिताजी जिनकी इतनी आरती उतारी जाती है, वो तो तुझ बेचारे के सुध लेने भी ना। माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? बोलो यशो। माँ, पिताजी कभी आएंगे? वो मुझसे मिलने क्यों ना आए? बेटा राहुल, यहाँ चल, मैं तुम्हें बता। यशो, ये भी बिल्कुल अपने पिता पे गया है, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न। यशोधरा, इसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अपने पिता की तरह अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने वन चला जाए। माँ, जरा तो लज्जा करो। यशोधरा की चोट को सदैव कुरेदने की क्या आवश्यकता है? जो स्वयं घायल विवश हो वो दूसरों को तो घायल करेगा ही ना। आपको यशोधरा की बड़ी चिंता है और मेरी? आज भी जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरे पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। तेरे क्रोध की और परीक्षा न लो। मुझसे किए हुए छल का घाव तो ना भर सके और मुझे आंखें दिखा रहे? मेरे टूटे हुए मन से पुकार निकली और भगवान ने आपका भी सर्वनाश कर दिया। बस इसी की कमी रह गई थी। मारिए, मारिए मुझे, आपके मन को भी शांति मिल जाएगी। मारिए ना। यदि तुम मेरे अनुज की पत्नी ना होती शरीर को सुखा मैंने केवल अपना ही घात की। यदि परम सत्य मुझे मिलेगा तो शरीर के साथ ही मिलेगा, ना कि उसे सुखा और गला। जिस बात को बड़े बड़े गुणी ज्ञानी ना समझा सके, वो सहज एक गांव की अज्ञानी सुजाता ने समझा दी।
तुम्हारी कई बातों में बड़ा सत्य था सुचा। मैं कठोर तप के चरम बिंदु तक पहुंचा पर वहां कुछ नहीं मिला। मेरी इस भ्रांति को झुटलाने वाले तुम मेरी प्रथम गुरु। सिद्धार्थ ने तपश्चर्या छोड़ दी कि उनका मनोबल इतना क्षीण निकला। आपकी राह देख रहे थे, आपकी आंखों में आंसू कैसे? जिस पर भरोसा कर अपने प्राणों की आहुति देने हम सब चले थे वही अपने पद से टिक गया। अर्थात सिद्धार्थ ने तपश्चर्या का मार्ग छोड़ दिया है और स्वयं अपनी आंखों से उसे भोजन करते हुए देखा। जिसके भरोसे हम अपना सब छोड़ के आए, जिसे अपना मार्गदर्शक समझा वही दिशाहीन हो गया। ये भी तो हो सकता है ये मार्ग ही गलत था, हम गलत साधना कर रहे थे। एक ने प्रण तोड़ा तो बुरे विचार उपजने लगे। गुरुदेव अति शीघ्र यहां से निकलते हैं। आज भद्रिका को विचार आया कहीं ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ की संगत में पढ़कर हम सब पथभ्रष्ट हो जाएं। हाँ, संगत का प्रभाव पड़ता है। मैं सिद्धार्थ को छोड़कर जाने का आह्वान करता हूं। जिसे मेरे साथ चलना है वो चले। डरो मत, ये घास लिए कहां जा रहे हो? अपनी भैंसों के लिए नहीं, मैं छोटी जाति का हूँ, अछूत हूँ। अगर आप मुझे छुएंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। नहीं, तुम्हारे छूने से मैं अपवित्र नहीं हो सकता। मेरा नाम सिद्धार्थ, तुम कौन हो? मैं स्वस्ति हूँ। आप सन्यासी हैं? हाँ। इस वृक्ष के नीचे बैठ मैं साधना करूंगा। मैं इस कुशाघात से आपके लिए आसन बना दूं? अवश्य, तुम्हारे हाथ से बने इस आसन पर बैठ मुझे प्रसन्नता होगी। आइए जोगी महाराज। तुम्हारा बहुत बहुत आभार, तुम बहुत दयालु हो स्वस्ति। हमें जाने की आज्ञा दीजिए, आपका साथ यही तक नियत था। आप मेरे जीवन के कठिन मोड़ पे आए और अब जाने के लिए कह रहे हैं? जाने का कारण तुम ही हो सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ को मैंने अपना ज्ञान दिया, अपना गुरु भाई, फिर अपना गुरु माना, अब तुम वो कहां रहे? मनुष्य कितनी अवस्थाओं से इस एक ही जीवन में परिवर्तित होता है। बाल अवस्था से परिवर्तित हो उसका रूपांतरण युवा अवस्था में होता है और युवा अवस्था परिवर्तित हो प्रौढ़ अवस्था आती है। ये प्रकृति के नियम की बात है। तो फिर हम प्रकृति के नियमों से भिन्न कैसे हो? हमारे अंतर और बाहर प्रकृति के नियम है। पुरुषार्थ तो कुछ है ना, अपने वचन पर अडिग रहने का मूल्य तो कुछ है ना। तुम्हारा ये पतन देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तुम पथ भ्रष्ट हो गए हो सिद्धार्थ। उस पथ का परीक्षण कर
उसे व्यर्थ पाए या उस पथ पर चलने का साहस समाप्त हो गया। यदि यह सांसारिक जीवन की अभिलाषा थी तो क्यों त्यागा घर द्वार, क्यों त्यागा यशोधरा, अपने पुत्र से क्यों विमुख हो गए? तुम तो संसार को मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने के लिए उठे थे। 6 वर्ष की खोज, कठिन तपश्चर्या, उस मार्ग में तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए। अपने उद्देश्य से इतनी जल्दी मत डिग जाओ, अपने सिद्धांत यूं ना गवा दो। गुरुवर्य, केवल अपनी बुद्धि से नहीं, स्वयं अपने आप को उस आग में तपाकर यदि ये जाना कि उस मार्ग में कोई त्रुटि है तो उसे छोड़ देना ही उचित है। जीवन नदी के पानी का बहाव है, यदि एक स्थान पर रुक जाए तो दूषित हो जाता है। मैं जीवन के बहाव और ऊर्जा के आगे खड़ा हो गया था। घास के उस कोमल तिनके की तरह ना बन सका जो हवा के बहाव के साथ बहता है, पर अपनी मिट्टी से नहीं उखड़ा जा सकता। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं उस घास के कोमल तिनके की तरह अवश्य बनूं। गुरुवर्य, मैं मनुष्य जाति की मुक्ति का मार्ग अवश्य खोजूं और वो मार्ग आपको दिखाने में अवश्य लौटूं। हम एक बार फिर मिलेंगे। यशो, कहां गए? क्या हुआ पुत्री, तू यहां क्यों सो रही है? आप मेरी चिंता ना करें। यशो बोलना। कुछ दिनों से मन में बहुत चटपटाहट हो रही है और फिर कल रात ही मेरे स्वप्न में भी आए थे। सिद्धार्थ तेरे मन से गया ही कब था? हाँ, पर अब तो भेंट केवल स्वप्न में ही होती है। कल मैंने देखा कि ये घास की शैया पर सो रहे हैं और आज जब मैं मंदिर गई तो एक साधु एक पेड़ के नीचे घास पर सोते दिखाई दिए और उन्होंने अपनी बाह को सिरहाना बनाया था, तो मुझे लगा कि मेरे स्वप्न और यथार्थ के बीच कुछ तो संकेत है। सिद्धार्थ ने जो मार्ग चुना है उसमें सुख और आराम कहां? उन्होंने जो मार्ग चुना है उसमें मैं उनकी सहभागी न बन पाई, पर सहयात्री तो बन सकती हूं, इसलिए मैंने ये व्रत लिया है कि आज से मैं बिछौना त्याग धरती पर ही सोऊंगी। यशो, इतना कठोर व्रत क्यों? अग्नि को साक्षी मान हमने सुख दुख में साथ निभाने का वचन लिया। आज वो शरीर से भले ही मुझसे दूर हो पर मेरे मन के निकट ही है, तो जो मेरे पति का भाग्य वो मेरा भी भाग्य। तो तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? कदापि नहीं।
आपको उरुहिला छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? इतने घने जंगल में आप करेंगे क्या? ध्यान और तपस्या, वो तो आप नदी के तट पे भी कर सकते थे। मुझे पूर्ण एकांत चाहिए सुजाता। अब आप सबको मेरे लिए कष्ट उठाकर आने की आवश्यकता नहीं। हम आपकी साधना में बाधक नहीं बनेंगे, किंतु एक समय का भोजन आपको स्वीकारना होगा। हाँ तो कहिए। हाँ, बालपन के हट के आगे कभी कोई टिका है क्या? यहाँ आपकी आंखों में धूप आएगी। साधना के लिए पूरब दिशा उत्तम। क्यों? पूरब से सूर्य उदय होता है, साधक इस दिशा को शुभ मानते हैं। अब आप लोग जाइए। सन्यासी ही बने। आप तो दिनों आग बंद करे बैठे रहते, हम तो दूषण आग बंद करे तो अंधेरा दिखता है। आपने क्या देखा? पूरा जीवन आंखों के सामने से निकल गया। ये पेड़ हर ऋतु में अपना रूप बदलते हैं, वर्षा के बाद हरे होते हैं, पतझड़ में पीले और ग्रीष्म ऋतु में हर पत्ता सूखकर झड़ जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में घटनाएं आती रहती, कोई सुखद तो कोई अति दुखद, पर स्थिर कुछ नहीं रहता। हर क्षण मन ही नहीं शरीर भी बदलता रहता है।
और जोगी महाराज, शरीर को भूख भी लगती है, हम आपके लिए खाना लाए, आप पहले कुछ कुछ खा लीजिए। मुझे कुछ छू कर गया। आसपास कुछ है? इसे भय कहते हैं। लगा जैसे कोई सांप इस शरीर के निकट है। आज भी जोगी ने आंखें नहीं खोली। खीर के दोने जस के तस परे हैं। ये सच में कोई बड़े ऋषि मुनि है। सांप इना डसे ही चला गया। देख तो कैसे पत्थर के हो गए हैं। ये अपनी आंखों से हमें नहीं कुछ और ही देख रहे हैं, जो हम तुम जैसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। अर्थात? अर्थात गगन के उस पार, क्या पता कोई अद्भुत दुनिया हो। चलो चलते हैं।
अपने आने की सूचना दे रहा हूं। आ जाओ। गांधार से गहनों का व्यापारी आया था, मैंने देखा तो तुम्हारी याद आ गई। सोचा सिद्धार्थ तो है नहीं, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारे लिए कुछ ले लूं। ये हार तुम्हारे गले पे बहुत सजेगी। लोन उपहार है। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे कोई सांप दिख गया। ये हार उपहार। पर देवी ये हार तो कुमार देवदत्त आपके लिए लेकर आए हैं। और मैंने तुम्हें दे दिया, इसे तुरंत उठा लो। शिवराज तुलसी की माला भी लाते तो वो मेरा गहना बनती, पर ये किसी विषैले सर्प के समान है। लौकिक जगत ने मुझे मारा कहते हैं, पर मैं तेरा ही रूप हूं। मैं भावनाएं हूं पर तेरी। मन जो विनाशी है उसके आगे मैं उस अलौकिक जगत में जा रहा हूं जो अविनाशी। अब तो उस अलौकिक जगत में नहीं जा सकता, तेरे तप की सीमा आ गई है और अब उसके आगे तुम मुझे बांध नहीं पाओगे। मैं तुमसे मुक्त हो जाऊंगा। पर वो सदन में क्या नहीं गांव क्रोध पद लोग माया ये मेरे अस्त्र हैं। पहले मुझसे युद्ध कर। नहीं, युद्ध से भावनाएं प्रबल होती और फिर से यही भावनाएं इसी माया चक्र में फंसाती हैं। मैं इसी कर्म चक्र से परे जा रहा हूं। असंभव। जहां किसी काम का स्पर्श ना, जहां कोई माया उलझा ना सके, जहां कोई मोह बांध ना सके, जहां क्रोध जला ना सके। कामना इच्छा वासना ये मेरी पुत्रियां हैं। पहले इनसे तो बैठ। मैं वासना हूँ, मेरे फल में वो
जिसके लिए मनुष्य तरसता है। मैं इच्छा हूँ, जीवन के समस्त सुखों का रस है मेरी मदिरंगी चक्रुस। कामना, इच्छा, वासना, ये शरीर की प्रतिध्वनियां हैं। जब शरीर का मोह टूट जाए तो ये केवल एक पत्थर से टकराकर लुप्त हो जाती है, जैसे ज्ञान का सूर्य उदय होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है। वैसे ही आत्मज्ञान का सूर्य जब मुदित होता है तो सारे प्रलोभन राग बन धरती पर गिर पड़ते हैं। कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।